बलरामपुर की प्रमुख नदी राप्ती द्वारा पिछले कुछ दिनों से कई गांवों में कटान तेजी से किया जा रहा है और कटान से भयभीत ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से एक ओर जहां मदद की गुहार लगाई, वहीं कटान रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बचाव कार्य पर सवाल भी उठाए गए। साथ ही राप्ती की कटान से कल्याणपुर, चौका खुर्द, टेंघनिया, मानकोट और सरदारगढ़ सहित कई गाँवों को बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है। व्यवस्था की जा रही है, व्यवस्था यह है कि बाढ़ खंड के द्वारा काफी काम कराए गए हैं और उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत कटान तो होता ही स्वाभाविक है। तो बाढ़ खंड को निर्देशित किया गया कि जाए वहाँ मौके पर देखें और जो भी उपाय हो सकते उपाय करें, किसी भी तरीके कटान को रोका जाए। बाढ़ की स्थिति में सर ग्रामीणों के लिए क्या व्यवस्था की जाए? बाढ़ की स्थिति में जो भी सामान्य तरीके से जो नाव की है, बचाव की है, राहत की है, जो भी जैसी स्थिति होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और ये बाढ़ खंड हका बनाए कि हमसे कहा गया कि बताओ है बनाए जो हका के नहीं बनाए कमाई मारे कि पाँच साल फिर बनाई गए हका। और यही वजह से कि काट के सब भरा जिस जब तक बना रहा है सही एको नहीं लगाए और लेबर कहा कि सही काम नहीं हुआ था तो वे नहीं माने और मैं सब कमी बाल खंड कह दी एकदम से तीन उसका भरा के खत्म हो गया सब बहा जाते हैं और गंगा गाँव एको न बैठे सब काट डाली बहुत तेज। मैं काल साहब लोग आए हैं सब देखी है और वका आज आए हैं कोई उनके मुंशी देख कर चले गया है कि वह कमाई के वादा कुछ करना नहीं तो काम सही नहीं कराया नहीं सही भाषा कुछ नहीं जितना बांधे ना तो सब बह गया जब पिल्लर लगाई ना तो तारे से तुम बांध नहीं नीचे सब टूट टूट गिर गए। तो 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 अभी क्या हो सकता है अब साहब जैसे वका वही जो कोशिश कर दिए कि रोके चाहते तो रोक सकते हैं कि वो रोका नहीं चाहते हैं। राप्ती कटान साहब हमारे सीमांत पूरा कर जाना को बचाने के विश्वास और बांधने वका बांध रुकते नहीं ऐसा गिर गिर जाते हैं और तीन साल से है कर्म किया है कौन किया है? अरे बाढ़ खंड बंधावत है कि पता है बोरिया बहावत कहूँ बाल माटी भर भर कहूँ बांस लगावत कहूँ पिल्लर लगावत बोरी को आंसू लगाए ना का बोले यो टीप तो टीप ये समझ नहीं फिर गिर करके गिर गई। तो करोड़ों का काम हुआ है आपके क्षेत्र में साहब? 3 करोड़ का काम हुआ है। तो का हुआ अब वहाँ भाव तो साहब देखा जाए चल के वहाँ पर का भाव है भैया वाला वो कट रहा है और इधर कल्याण नगर, चौका खुर्द, बगहा ये सब गांव भी जो है कटान की जद में है। 3-4 गांव कटान की से प्रभावित हैं और जितने भी पिलर लगाए गए थे बोरी में बालू भर के लगाए गए थे वो आधे से ज़्यादा कट के गिर गए हैं। पिलर की क्वालिटी बहुत ही घटिया थी, आपके चैनल के द्वारा इसको दिखाया भी गया था कि पिलर बहुत खराब स्थिति में है लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जितने भी कार्य किए गए वो बिल्कुल विफल हो गए। कटान से ज्यादा आधे से ज्यादा कट गए हैं, आधी जो बची हुई वो भी कटान की जद में है, वो भी जल्दी से कट जाएंगे। ग्रामवासी हम लोग बहुत परेशान हैं। प्रशासन में कल एडीएम साहब जांच करने के लिए आए थे लेकिन कोई अब क्या प्रबंध करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। साहब कुछ ना सफल हो पाया सब बर्बाद होगा, काम हुआ ना ही कुछ बिल्कुल सब ये बोरी लगाए पिल्लर में डोरी से बांध रस्सी से बांध वो सब गिर गिर बहेगा कुछ नहीं बचा था उधर। तो आप लोग जैसे किसी से कभी जो है आवाज भी उठाए कि गलत काम हो रहा है ऐसा कुछ बताएगी? आपको शायद भी बताएगा कौन चोरी है कौन डर है क्या हुआ तब फिर सब काम गड़बड़ किन काम नहीं सही करते हैं सब हम लोग बताइए कहना चाहिए हमको कहा कि साहब काम क्यों चल के जो है काम गड़बड़ है। नहीं जब काम सही नहीं हो रहा था तब आपने किसी ने बताया था कि ये काम गड़बड़ हो रहा है? हाँ साहब सब दरखास्त लगाई ना सब तो कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? बालक राम यादव। बालक राम जी क्योंकि आपके गांव के आसपास काम हुआ है सरकारी की कटान ना हो कटान इस तेजी से फिर हो रहा है कैसे हो रहा है क्या काम कराया गया था कुछ बताएंगे? सर उसमें काम कराया गया था उसलिए कोई उसकी रोकथाम नहीं है। आप 3 साल से काम हो रहा है और कम से कम 3-4 करोड़ रुपया उठ चुका है पर ठेकेदार कह रहे हैं कि जब आसो हम पूरा काम करा देंगे तो पर साल क्या कराएंगे पैसा हमें कैसे मिलेगा? मतलब काम सही ना हो ताकि अगले साल मौका मिल जाए। हाँ साहब यही है कि आसो भी इतना काम चले अगले साल भी मेरा काम चलते सरकार को ये दिखाए कि मतलब काम चल रहा है और धीरे धीरे काम चलाते हैं उस पर कोई मजबूती वाला काम नहीं करते कि मजबूती किया जाए कि कुल मिला के अगर आप समझने का प्रयास करें तो यही है कि
कि जो कार्य कराया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बंदरबाद करने की मंशा साफ जाहिर हो रही है। जो यहाँ लोग बताते हैं, जो स्थिति दिख रही है, उसे यही प्रतीत होता है कि कार्य माने के अनुरूप नहीं कराए गए। और स्थिति आज सामने है, अभी बरसात भी इस जिले में पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, सूखा जैसी स्थिति है। पहाड़ों पर हुई बरसात का पानी राप्ती नदी में इस समय है, और वही पानी जब थोड़ा घटा है तो जो है तेजी से कटान शुरू हुआ है। कई गांव कटान के जद में आ गए हैं और यहां के लोग काफ़ी भयभीत हैं उस स्थिति को लेकर के, क्या होगा अभी जब बरसात और तेज़ी से होगी, पानी और बढ़ेगा फिर घटेगा तो क्या होगा, गांव बचेगा या नहीं बचेगा, ये सब लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और जिला प्रशासन भी अपना प्रयास कर रहा है, लोग आते हैं, एडीएम भी आए थे और अधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन जो नतीजा है प्रत्येक वर्ष वही स्थिति घूम के आ जाती है कि जितना भी कार्य होता है वो बाढ़ में बह जाता है और स्थिति फिर पूर्ववत हो जाती है। ये लोग वहीं रह जाते हैं जहाँ पर खड़े हैं, कई गांव पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, गांव पूरी पूरी समाप्त हो जाते हैं और फिर दूसरी बार जहां बैठते हैं वहां फिर निराप्ति की स्थिति वही होती है। तो अगर ये परमानेंट कोई अस्थाई व्यवस्था जब तक इसकी नहीं की जाएगी तब तक ये स्थिति बरकरार रहेगी, और इसके लिए सरकार को और प्रशासन को एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जीरो ग्राउंड से अखिलेश्वर तिवारी, कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टूडे, बलराम।